हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। इस वीडियो में हम हाउसफुल 4 मूवी की पूरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, लास्ट तक जरूर देखें। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज की चौथी फिल्म पसंद आ जाए, जिसका ट्रेलर तो खूब पसंद किया गया है। इस फिल्म की कहानी बताने से पहले बात करते हैं हाउसफुल सीरीज की। पहली हाउसफुल 2010 में आई थी और पसंद भी बहुत की गई थी। सीक्वल का दौर चल रहा था तो दूसरी हाउसफुल 2 साल में ही बनाकर 2012 में रिलीज कर दी गई। यह फिल्म भी काफी हिट रही थी। 2016 में हाउसफुल सीरीज का तीसरा भाग सामने आया, जिसमें लोगों को ज्यादा मजा नहीं आया। सारी हाउसफुल फिल्में में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख कॉमन रहे, बोमन ईरानी और चंकी पांडे भी नजर आए। कहानी बदलती रही तो कुछ किरदार हर बार दिखे। हाउसफुल 4 में पुनर्जन्म और कंफ्यूजन का तड़का लगाया गया है। कहानी 600 वर्षों में फैली हुई है। एक 1419 के जमाने की कहानी है और दूसरी 2019 की। 1419 में सितमगढ़ में 3 जोड़े एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए रहते हैं, लेकिन जमाने को यह बात पसंद नहीं आती। षड्यंत्र रचा जाता है और इनको अलग अलग कर दिया जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2019 में। लंदन में तीनों लड़कों और तीनों लड़कियों का फिर से जन्म होता है। फिर वह प्यार में पड़ जाते हैं, पर इसमें पेच है। इस बार अदला बदली हो जाती है, यानी कि जो लड़का 1419 में जिस लड़की से प्यार कर रहा होता था, वो 2019 में दूसरी लड़की को दिल दे बैठता है, और इस तरह से सभी जोड़ियों में गड़बड़ हो जाती है। भाग्य को शायद यह मंजूर नहीं था। किस्मत तीनों को फिर से सितमगढ़ ले जाती है। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि पार्टनर्स बदल गए हैं। अब ये उल्टी कड़ी किस तरह सुलझती है, कैसे पुरानी बातें उन्हें याद आती हैं, ये फिल्म में हंसी और ठहाकों के साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको कितना है इस फिल्म का इंतजार, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।